यशवंत जी, आप ही के पास आऊंगा। और जम्मू कश्मीर के लिहाज से आज की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां पर लंबे वक्त के बाद चुनाव होने जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत लंबे वक्त के बाद चुनाव भी होने जा रहा है और साथ में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का जो एक नतीजा है वो एक एक उसको भी टेस्ट करता है कि आखिर राज्य में कितने हालात अब सामान्य हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से टर्नआउट बढ़ा था, खासतौर पे बारामूला में और बाकी जगहों पे, श्रीनगर में भी पिछले चुनाव के मुताबिक लगभग 4 गुना टर्नआउट हो गया था, उससे मुझे लगता है कि एक अच्छे संकेत मिले कि अब वहाँ के राज्य में हालात वापस एक राज्य सरकार को चुनने, राज्य सरकार दर्जा वापस पाने और स्थानीय प्रतिनिधित्व को महत्व देने के लिए तैयार है। 370 के हटने के बाद ये बहुत बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि जो डिलिमिटेशन हुआ है उस डिलिमिटेशन के कारण भी वहाँ की सियासत का जो एक तरफापन था वो थोड़ा सा अलग होगा। एक तरफापन से मेरा अर्थ ये है कि कम आबादी के बाद में भी जो वैली में ज्यादा सीटें थी और ज्यादा आबादी के बाद में भी जो जम्मू के हिस्से में कम सीटें थी उसका एक बैलेंस वापस रिटेन किया गया है डिलिमिटेशन के बाद में, उसका भी एक असर हमको देखने को मिलेगा। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं यशवंत। और जो इस बार चुनाव हो रहा है, 90 विधानसभा पर इस बार चुनाव वहां पर होंगे, इसके पहले 87 विधानसभाओं में वहां पर चुनाव होता रहा, वो सीटें भी उस लिहाज से बढ़ गई हैं। अनिल आर्या जी भी मेरे साथ हैं, आपसे मैं हरियाणा की राजनीति पर जरा बात करना चाहूंगा। इस बार का हरियाणा का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट, कितना दिलचस्प आपके लिहाज से? देखिए, हरियाणा का चुनाव इस बार रोचक इस दृष्टि से हुआ कि भाजपा को 10 साल सत्ता में रहते हुए हो गया है और इन 10 साल में भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो भी रुष्ट है और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो भाजपा को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीते 5 सीटों से, ये जो कांग्रेस का जो उत्साह है, भले ही 10 साल से संगठन के चुनाव नहीं हुए पर जो कांग्रेस में वर्कर्स में उत्साह है वो इस बात का प्रमाण है कि इस बार कांग्रेस एक अच्छी चुनौती भाजपा को दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपर हैंड कांग्रेस का है। एक फैक्टर और आप देखिए कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे तब कांग्रेस के टिकट मांगने वाले लोग की संख्या में नहीं थे, तो इस बार बहुत बड़ी 2500 से अधिक लोगों ने अप्लाई किया है टिकट के लिए। और इसके साथ ये भी समझना होगा कि कांग्रेस ने जो इस बार जो सोशल इंजीनियरिंग जो जातीय फार्मूला अपनाया था लोकसभा चुनाव के अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक भाजपा की जो राजनीति रही है वो नॉन जाट की राजनीति रही है। अब कभी खा कर देख लीजिए, भाजपा के पिछले 2 चुनाव में भी अहिरवाल क्षेत्र है वो और जो हाईवे क्षेत्र है, ये 2 क्षेत्र ऐसे थे तो नॉन जाट बेल्ट है, उन नॉन जाट बेल्ट में भाजपा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और खासकर चूंकि 9 साल तक मनोहर खट्टर इस प्रदेश के मुखिया रहे और मनोहर खट्टर पंजाबी वर्ग से आते हैं तो ऐसा माना जाता था कि भाजपा ने पंजाबियों को मित्र बिठाया है। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पंजाबी मैं सर आता हूँ आपके पास, दोबारा लौटूंगा इस पर और विस्तार में हम बातचीत करेंगे, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम समीकरण उस पर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले अंकित आपके पास भी आना चाहूंगा और अजय बाचलू को भी, आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़े हुए हैं। लेकिन अंकित, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई चुनाव आयोग की, आप भी वहां पर मौजूद थे, 4 तारीख को नतीजे आएंगे, क्या अहम बातें और निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए अखिलेश, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि जो सुबह से कयास लग रहे थे ना कि कई जगहों पर, हालांकि एबीपी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन कई जगहों पर ये चर्चा चल रही थी कि क्या महाराष्ट्र, क्या झारखंड, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग ने तस्वीर साफ कर दिया है कि जी नहीं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि चुनाव लंबा नहीं होगा, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे और जो है 7 चरणों में चुनाव हुआ तो यहां पर यही सवाल उठा था कि इतना लंबा चुनाव क्यों हो रहा है। तो चुनाव आयोग की तरफ से इस बार साफ तौर पर उसी का जिक्र करते हुए कि इस बार हम चुनाव लंबा नहीं कर रहे हैं और जमहूरियत बहाल करने के लिए, लोकतंत्र के लिए जो चुनाव जरूरी है और लोगों की वहां पर यही मांग थी, उसी को ध्यान में रखते हुए अब चुनाव करवाए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी जो है कोशिश कई बार की गई थी लेकिन हालात ऐसे नहीं थे और 370 के खात्मे के बाद में 2022 में डिलिमिटेशन हुआ, तब से चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिर कब होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट का भी पिछले साल अभी दिसंबर 2023 में आदेश आया था कि 30 सितंबर तक चुनाव होने हैं, तो उसके बाद में पिछले 1 महीने के दौरान चुनाव आयोग ने कवायद तेज की और आज नतीजा सामने है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होगा चुनाव और 4 अक्टूबर को आएगा नतीजा। जी
ठीक है अंकित, आपके पास मैं आता हूँ दोबारा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।